नमस्कार, रेसिपी जरीना डॉट इन में आपका स्वागत है। आलू के पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं, फिर चाहे उन्हें लंच में या ब्रेकफास्ट में या डिनर में आप कभी भी उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो 5 आलू उबले हुए, लगभग 4 कप आटा, तेल सेकने के लिए पराठे, हरा धनिया कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अब आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंथ लेंगे। अब आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। स्टफिंग के लिए हम आलू की चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम आलू को फोल्ड लेंगे बारीक बारीक। आलू को इस तरह से फोड़ेंगे कि उसमें कुछ गुठलियां ना बचें। आलू अच्छी तरीके से मिसल चुके हैं। इसमें हम हरी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम आलू के पराठे बना लेते हैं। इसके लिए हम तवा गरम कर लेंगे। जब तक तवा गरम हो रहा है हम लोही लेकर पराठा तैयार कर लेंगे। हमने लोई बना ली है और हम पराठे को बेल लेंगे। इस प्रकार एक बार बिल जाने के बाद हम इस स्टफिंग को भर लेंगे और फिर इसको चारों तरफ से पकड़कर घुमा देंगे और उसकी लोई तैयार कर लेंगे। लोई तैयार हो चुकी है। अब हम इसका पराठा बना लेंगे। पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम तवे पर डाल देंगे और एक तरफ से सेकने देंगे। तब तक हम दूसरी लोई तैयार कर लेंगे। पराठा एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे और अभी दूसरी तरफ से सिकने देंगे। पराठा दूसरी तरफ से ही सिक चुका है। अब इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे। और अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको पूरे पराठे पर लगाने के बाद पलट कर दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे। अब पराठे को पलट कर हम थोड़ी देर तक इसे सिकने देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम और भी दूसरे पराठे बना लेंगे और पराठे को चटनी या फिर दही के साथ सर्व कर लेंगे।